आपके साथ 2:16 एंड इट्स ऑल हैपनिंग राइट हियर। बॉलीवुड की जब बात करते हैं तो साहब खबरें बनती रहती हैं, लेकिन खबरें बनाने वाले जब आपके स्टूडियो में आ जाए तो क्या बात है। सुबह से आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं कि दो स्टार्स हैं, सिंगिंग सेंसेशन है और बहुत ही न्यू इन द फील्ड, लेकिन एक बस सी क्रिएट कर दी। यस, वी टॉकिंग अबाउट अरुणिता एंड पवनदीप इन द स्टूडियो। हेलो गाइस, थैंक यू सो मच, नमस्ते। सो हम बात कर रहे थे कि पहले तो फर्स्ट विजिट टू मॉरिशस, मैंने पूछा कि ठंड लग रही है, तो पवनदीप ने कहा कि मैं पहाड़ों से आता हूँ सर, वहां पर बर्फ गिरती है, ये तो कूलर चलाने वाली बात हो गई। सो वेलकम टू मॉरिशस। अच्छा, अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए, लैंडिंग इन, लोगों से मिलना, सडनली हिंदी समाचार और हिंदी म्यूजिक सुनना, ये जो आपको फर्क लगा या नहीं लगा उसके बारे में कुछ बताइए अरुणिता। हाँ, या पवनदीप, अभी 6 घंटे के फ्लाइट से हम लोग आ रहे हैं और फ्लाइट से ही मैं तो विंडो से देखने की कोशिश कर रही थी कि कब समुंदर दिखेगा नीले पानी का, पर वो दिख ही नहीं रहा था क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा ऊपर थे। तो जब हम लोगों ने लैंड किया तब पूरा दिखा मॉरिशस, तो उसके बाद हम लोग गाड़ी से फिर होटल आए और फिर हम लोगों ने होटल में आते ही हम लोगों ने शॉपिंग करना चालू कर दिया वहाँ के लिए, समुंदर में कैसे कपड़े पहन के जाएंगे वो सब, तो वो चालू हुआ। उसके बाद फिर वहाँ से तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ आ गए और फिर अभी बहुत चाह है कि मॉरिशस को थोड़ा सा देखे और घूमे और फिर कल तो शो। अच्छा, लड़कियाँ जो होती हैं वो थोड़ा ज्यादा डिटेल में देखती हैं कि देख लो ऊपर से ही समुद्र कैसा है। पवन देख, मेरे को लगता है कि तुम उनको छलक देख रहे थे, अगर है तो कुछ बताओ। सर, मॉरिशस नाम ही सुना था और मुझे लगा था कि कहीं किसी मैप में कहीं पे लगा हुआ होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो ये तो बीचों बीच है एकदम ना, समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड है, तो वही देख के मुझे मजा आ गया। पहले तो मैंने कहा वाह, बड़ी ऐसी जगह जा रहे हैं चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, जो ऐसी कमाल की जगह हमने मार्वल की फिल्म्स में देखी थी। ठीक ठीक बात है। और वो समुद्र को देख कर वो गाना नहीं याद आ गया, समुद्र में नहा के। देखिए ऐसा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, गा के सुना दीजिए तो मजा आएगा, यानी प्रोग्राम की शुरुआत होगी। पवनदीप और अरुणिता हमारे साथ हैं, एक गाना हो जाए जी बिल्कुल, तो क्या बात। आई नो इट्स एकदम से आप लंबी फ्लाइट से आए हैं और आपको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला, लेकिन फिर भी गाना तो क्या बात है, इट विल बी नाइस। इन द मीन टाइम आपको बताएं कि पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार,
पहला नशा पहला खुमार. ऐसा है कि ये बिल्कुल तैयार हो गया है. हमने देखा था कि वो अपने शो के अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, लेकिन अभी फोन पर पियानो बजा रहे थे. अब मतलब टेक्नोलॉजी के साथ भी आपने ले लिया. नॉट बैड एट ऑल. सो स्वागत है आपका एंड आपकी हमारी बातें चलती रहेंगी. अब एक चीज तो हम रियलाइज कर सकते हैं कि यू वेरी डाउन टू अर्थ और आप जानते हैं कि एक कॉमन मैन से कैसे जुड़ना है थ्रू अ प्रोग्राम. तो अभी आप कॉन्सर्ट के लिए आए, कुछ बताएंगे उसके बारे में, कब है? सर हमारा कल है, अभी शो कल शो है, तो उसके लिए पूरी कोशिश पूरी तैयारी करके आए हैं कि यहाँ की जितनी भी जनता है और जितना प्यार मिल रहा है उनको खुश कर पाएँ और अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दे पाएँ. और इतने सारे मॉरिशस के लोगों को सामने बैठ के देखने का मौका मिलेगा और सामने से वो लोग उनके सामने लाइव गाने का एक मौका मिल रहा है, तो पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से इसको करें, बहुत सुरीला परफॉर्मेंस हो. और सबसे बड़ी बात है सामने हिमेश रेशमिया नहीं, जावेद अली नहीं, और बाकी नहीं कि आपने मौसम बदल दिया, लेकिन मौसम यहाँ पे जो बदला है उसमें आप कुछ जरूर. आप लोगों की वजह से ही मौसम बदलता था, वो आप लोगों का इतना प्यार मिला. जावेद सर लोग, एचआर सर लोग हमारे कमाल के हैं, एजेंट्स हैं हमारे सब, वो हमारे जजेस हैं, वो हमें छोटी छोटी चीजें बताते हैं, उनकी बारी क्या बताते हैं, और बाकी प्यार तो आप लोग देते हैं. तो हम मॉरिशस में पहली बार आए हैं तो बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे कि परफॉर्म करें. अच्छा ये भी हमने देखा कि एक कॉमन मैन, एक स्टेज मिलना, रियलिटी शो. अब ये जो रियल परफॉर्मेंसेज हैं उसने रियली जिंदगी बदल दी. आप जैसे आए थे ऑडिशन के टाइम पर और अब जब आपने जीत लिया इंडियन आइडल एंड अरुणिता यू बीन सो मार्वेलस एंड इतनी कमाल की आपकी आवाज़ है, सो बताइए जिंदगी में जो चेंज आया उसके बारे में कुछ. सर मैं तो ये मानता हूँ कि चेंज क्या होता है, मैं तो गांव से ही हूँ, हम लोग दोनों ये बन गांव से हैं, मैं चंपावत से हूँ, तो काम है म्यूज़िक का, तो हम मेन गाना गाएं और उससे जो चीज़ें मिल रही हैं वो थोड़ा थोड़ा दूरी रहेंगी तो अच्छा ही है, बाकी तो हम गाना तो गाते रहेंगे. आई होप आपसे बहुत कुछ सीख पाएं लोग. सो अभी हमारे साथ बने हुए हैं, मैं एक गाने की तरफ चलता हूँ. इन्होंने तैयारी कहा ना कि तैयारी करके आए कि बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस, लेकिन जो मैंने देखा फोन पर पियानो वो भी कमाल की तैयारी थी कि पता है कि पूछेंगे गाओ कुछ सुनाओ ये हो जाए.